स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 6H स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि आप अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज 6H पर आए हैं तो आप इससे पहले एक्सरसाइज ऑल एक्सरसाइज देख ले, ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो सके। तो और स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6H के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे क्या है कि और भी बच्चे इससे कनेक्ट होंगे, जो लाभ आपको मिल रहा है वो उन बच्चों को भी मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमें सिंप्लीफाई करना है इसको फॉलोइंग, ठीक है, तो आइए करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के मैंने समझाए हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले इस वाली डिजिट की दोनों डिजिट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, फिर इस वाली डिजिट की भी पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना समझ आया। तो करेंगे पहले एक्स की, तो एक्स की एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर लिख देती हूं मैं, एक्स इंटू एक्स, और फिर x की प्लस है तो प्लस लगा देंगे 5 इंटू एक्स, फिर 3 की 3 माइनस का है तो 3 इंटू एक्स, और माइनस 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 प्लस माइनस 5 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3x और माइनस के 5 3 जा 15, तो एक्स स्क्वायर, अब देखना 5x में से 3x गई तो 2x बचेगा प्लस के और माइनस के 15, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? इसी प्रकार से सेम इसको करना है हमें, एक्स इंटू एक्स और प्लस 20 इंटू एक्स, प्लस के 5 इंटू एक्स और प्लस के 20 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और प्लस के 5x और प्लस 25 जा 100, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 25x और प्लस के 100, आंसर आ जाएगा ये। इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से करना है, पहले इस वाले की इस डिजिट में फिर दूसरी में, सेम पहली डिजिट में और फिर इसी डिजिट की दूसरी डिजिट में, सेम एक्स एक्स इंटू एक्स और प्लस एक्स इंटू 4 माइनस के 8 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 8x और माइनस के 32, तो एक्स स्क्वायर 8 में से 4 गए तो माइनस के 4x और माइनस 32, इस तरीके से करना है। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से करना है इसको भी, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि x के x में करेंगे तो x स्क्वायर और x की 3 में करेंगे तो माइनस 3x और 10 की x में करेंगे तो 10x और 10 की 3 में करेंगे माइनस के 10 3 जा 30, तो अब इसे सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस के 10 में से 3 गए तो 7x और माइनस के 30 इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके भी नहीं करते आप मल्टीप्लाई करके, मैंने इसीलिए समझाया है आपको कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए। इसी प्रकार इसका फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट में भी करेंगे सेम, एक्स इंटू एक्स प्लस के एक्स इंटू 11 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस के 7 इंटू 11, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7x प्लस 77, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 और 7 18x प्लस के 77, इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार हमारा सेकंड है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो हमें इन सभी को का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि किस प्रकार से करते हैं,
मैंने आपको बताया था जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई हम लास्ट टर्म में करते हैं। अगर यहाँ कोफिशियंट है तो कोफिशियंट की करेंगे। अब यहाँ पे 1 है इसका कोफिशियंट, तो 1 की 15, 15 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस या प्लस करने पर क्या है 8 आए। तो क्या करेंगे हम, कैसे लिख सकते हैं इसे, 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस, और माइनस के 5 और माइनस के 3 तो क्या हो जाएगा माइनस के 8। तो कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 3x प्लस के 15। तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x x माइनस के 5, और यहां से माइनस के 3 कॉमन ले लें तो x माइनस के 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस के 5 और यहां से x माइनस 3। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अभी क्या है, हमें इस फॉर्म में दिया था, इस फॉर्म में लाना था, अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से, तो करेंगे इसके, करने हैं हमें फैक्टर 63 के। तो 63 9 7 जा 63, और देखो माइनस के 9 इंटू माइनस के तो कितना हो जाएगा प्लस के 63, और इन्हीं को हम माइनस और माइनस 7 कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस के 16। तो माइनस के 16 ही लेकर आना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 एक्स और माइनस के 7x प्लस के 63। तो यहां से कॉमन ले लें एक्स, तो एक्स माइनस के 9, और यहां से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस के 9। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 7। इस प्रकार से करना है। तो यहां तक कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट है हमारा सेम। अब देखो 300 है, 300 का हमें फैक्टर करना है, मतलब ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा माइनस या प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 30 किसके टेबल में आता है, माइनस के 20 इंटू 15 प्लस के, तो क्या हो जाए 15 0 0 और 15 2 जा 30, तो माइनस के 300, और माइनस अगर 20 में से मैं माइनस के 20 है और प्लस के 15 है तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस के 5। तो यही तो लेके आना है, कर दो ए स्क्वायर माइनस के 20a और प्लस के 15a माइनस के 300 तो क्या आ जाएगा, a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस के 20, और यहां से प्लस के 15 कॉमन ले लें तो a माइनस के 20। तो दोनों में कॉमन क्या है, a माइनस के 20 और यहां से a प्लस 15। इस प्रकार से करना है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। सेम 39 आना चाहिए, अब देखना 13 3 39 और माइनस माइनस का होना चाहिए, लेकिन क्या आना आएगा, 39 आ जाएगा प्लस के, और माइनस के 13 को और माइनस 3 को मैं प्लस करती हूं तो क्या आ जाएगा माइनस के 16। तो यही लेके आना है, तो ए स्क्वायर माइनस के 13 और माइनस के 3, ये ए है और ये भी ए है, प्लस के 39। तो करेंगे तो ए कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस के 13, और माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस के 13। तो a माइनस के 13 और a माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार इसका फिफ्थ पॉइंट है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 84, और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5। तो देखना 12 7 84 12 7 जा 84 और 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 5x ही तो बचेगा। तो कर देंगे, देखो 12 इंटू माइनस 7 तो कितना हो जाएगा माइनस के 84, माइनस के ही आना चाहिए, और 12 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा प्लस के 5, तो प्लस के 5 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 12x और माइनस के 7x और माइनस के 84, तो x कॉमन, x प्लस 12 और माइनस के 7 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 12, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं हम, तो x प्लस के 12 और यहां से x माइनस के 7।
ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कितने आने चाहिए, 54 आना चाहिए, तो कितना करें, 9 6 54, तो माइनस के 9 इंटू 6, तो माइनस के 54 आ जाएगा, और 9 में से प्लस के 6 माइनस करेंगे तो माइनस के 3, तो यही लेके आना है हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 6x माइनस के 54, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 9 और प्लस के 6 कॉमन ले लिया तो x माइनस 9, तो दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 9 और इसमें x प्लस 6, तो यही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6H यहाँ पर समाप्त होती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि आप एक बार लाइन पकड़ गई क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, मेथड पकड़ जाएंगे एक बार आप, तो इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सबसे पहली बात है कि आप क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आज की कक्षा में बस इतना ही, आज की क्लास में, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।